गोभी की सब्जी तो आपने हजारों तरीके से बनाई होगी। आज मैं आपके लिए बेसन वाली ये फूल गोभी की इतनी मज़ेदार और नई रेसिपी लेकर आई हूँ कि मैं गारंटी देती हूँ आज से पहले आपने ऐसी रेसिपी ना तो कभी खाई होगी और ना ही देखी होगी। इतनी ज़्यादा चटपटी है ना कि आप उंगलियाँ भी चाट जाएंगे और मेहमान अगर खाएंगे ना तो वो भी आपकी तारीफ करेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाती है और घर की बेसिक चीज़ों से। तो चलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका और मैं हूँ सारिका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये चटपटे बेसन के फूलगोभी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 800 ग्राम के आसपास ये फूलगोभी ली हुई है। मेरे पास ये छोटे वाले हैं, आप चाहें तो बड़े वाले भी ले सकते हैं, कोई से भी आपको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छे तरीके से पानी से पहले धो लिया है, लेकिन सिर्फ पानी से धोना काफ़ी नहीं होता है फूलगोभी को। तो चलिए सबसे पहले हम इनको काट लेंगे, या फिर आप इनको थोड़े बड़े बड़े पीसेस में भी काट सकते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें फूलगोभी के टुकड़े थोड़े बड़े चाहिए। जो हार्ड पोर्शन है हम उनको हटा देंगे और सारे फूल इस तरीके से अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको वॉश करने के लिए लेंगे एक बड़ा सा बर्तन और इसमें ये पूरी फूलगोभी ऐड कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक वाला पानी। तो मैंने पानी को अच्छी तरीके से उबाल कर और उसमें एक चम्मच के आसपास नमक डाल दिया था। और अब हम क्या करेंगे, फूलगोभी को पानी में अच्छी तरीके से डूबे रहने देंगे। इतना ही पानी डालें कि बढ़िया से डूब जाए। अब इसको हम 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए 5 मिनट गोभी को पानी में डूबे रहने के बाद हम इनको निकालेंगे और ये बढ़िया से क्लीन हो गया है। बिल्कुल भी इसमें डर्ट या गंदगी या फिर कीड़े मकोड़े नहीं है। अच्छी तरीके से साफ़ होने के बाद हम वापस इसको एक बड़े से बर्तन में डाल देंगे और अब इसमें डालेंगे बेसन। यहाँ पर ये भुनी हुई बेसन नहीं है, कच्ची बेसन है। लगभग 2 टेबलस्पून के आसपास हम इस गोभी में डाल देंगे। ये देखिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, जितना आप गोभी ले रहे हैं उस हिसाब से आप बेसन डालें ताकि जो बेसन है वो बढ़िया से गोभी के ऊपर कोट हो सके। इसके साथ ही थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। नमक हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, नमक हम बाद में यूज़ करेंगे। अब डाल देंगे इसमें सरसों का तेल। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप कोई से भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, लगभग 1 टेबलस्पून। अब इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है और बेसन और सारे मसालों को अच्छी तरीके से गोभी में मिला लेना है। हाथों से इनको अच्छे से मिलाएं ताकि बढ़िया से ये कोट हो सके इसके ऊपर। और ये देखिए, गोभी अच्छी तरीके से हमारा मैरिनेट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से बनी गोभी का जो स्वाद होता है ना, आपको एक अलग ही लेवल का मिलेगा। आपने इससे पहले ये रेसिपी कभी नहीं देखी होगी और ना ही खाई होगी, ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। चलिए इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए और तब तक हम दही वाला मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटे से बर्तन में हम डालेंगे लगभग 1/2 कप के आसपास दही, और दही खट्टी ना हो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। अगर दही खट्टी हो तो आप यहाँ पर मलाई ले सकते हैं दूध की। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, इसके साथ ही 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। बहुत थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। इसके साथ ही अब डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर। तो मैंने लगभग 1 छोटी चम्मच के आसपास ज़ीरा पाउडर लिया है। अब इसमें चटपटा टेस्ट देने के लिए डालेंगे 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पर चाट मसाले का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में डालिएगा। मैंने यहाँ पर लिया है गरम मसाला और ये तंदूरी गरम मसाला है। इसकी रेसिपी अगर आपको घर में बनानी है तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रेसिपी के लिंक दे दिए हैं, जाकर जरूर से देखिए। या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट वाली भी गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं। ये तंदूरी गरम मसाले से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, तो ज़रूर से डालिएगा। मैंने 1 छोटी चम्मच डाला है। अब यहाँ पर डालेंगे बेसन। तो ये 1 टेबलस्पून बेसन है जिसको मैंने हल्का सा रोस्ट करके लिया है। कच्चा बेसन नहीं डालना है दही में, इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। अच्छी तरीके से भून लीजिए और तब आपको इसमें डालना है। तो बस 1 चम्मच मैंने यहाँ पर बेसन डाल दिया है दही में, और अब सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और लगभग बढ़िया से मिलाने के बाद इनको हम 5 मिनट साइड में रख देंगे ताकि दही जो है मसालों के साथ बढ़िया से फूल जाए और अच्छी तरीके से दही को फेंट कर एकदम स्मूथ कर लेंगे। और इसको हम 5 मिनट साइड में रखते हैं, तब तक हम चेक कर लेते हैं हमारी जो गोभी को हमने मेरीनेट करने रखा था। ये देखिए, लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरीके से मेरीनेट हो गया है। तो चलिए अब इसको हम कुक करते हैं। तो अब मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है भारी तली की, आप कोई से भी बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। और अब जैसे बर्तन हमारा गर्म हो जाए इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा हम ये गोभी इसमें ऐड कर लेंगे। और देख सकते हैं गोभी के ऊपर बहुत मोटी लेयर हमें मसालों की नहीं लगानी है, बस हल्की सी लेयर होनी चाहिए, जिससे कि आपकी गोभी बहुत चटपटी और टेस्टी बनेगी। इनको हम तेल में डालकर हल्का सा इस तरीके से टॉस कर लेंगे ताकि जो तेल है वो चारों तरफ इसमें लग जाए, और अच्छी तरीके से इनको गोल्डन और सुनहरा होने तक हम इन्हें भून लेंगे। तो देख सकते हैं गोभी हमारी ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है और अच्छी तरीके से गोल्डन भी हो गए, देख रहे हैं।
ये जो बेसन वाले मिक्सचर में डालने के बाद गोभी जल्दी ही क्रिस्प हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा चटपटी बन जाती है। तो सारी गोभी को हम निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। देखिए भुनने के बाद गोभी अभी से बहुत टेस्टी दिख रही है, तो चलिए अब इसको और ज़्यादा चटपटा और टेस्टी बनाते हैं। तो यहाँ पर जो पैन में तेल हमारा बच गया था लगभग एक टेबल स्पून के आसपास है, इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच के आसपास ज़ीरा, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्च। इसको मैंने ओखली में थोड़ा सा कूट कर लिया है, जिसमें दो हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। मोटा मोटा कूट कर लेना है, बहुत स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है। इनको हम तेल में डालकर हल्का सा भून लेंगे ताकि ये बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए तेल में, ज़्यादा गोल्डन या फिर ब्राउन नहीं करना है इनको। जैसे ही हमारा लहसुन और हरी मिर्च भून जाएंगे हम इसमें डाल देंगे प्याज बारीक कटा हुआ। तो देखिए मैंने प्याज को भी बहुत ही बारीक बारीक से चॉप किया है, लगभग 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, तो आप इसमें कम ज़्यादा अपने हिसाब से प्याज डाल सकते हैं। प्याज को भी डालकर हम अच्छी तरीके से गोल्डन होने तक भून लेंगे। तो इनको हमें धीमी आँच पर भूनना है ताकि जो प्याज है वो अच्छी तरीके से नरम हो जाए और सुनहरे हो जाए। तो देख सकते हैं 1 से 2 मिनट के बाद हमारा प्याज बढ़िया से गोल्डन हो चुका है। तो अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर का पेस्ट। यहाँ पर टमाटर का जो पेस्ट है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप दही थोड़ी सी खट्टी है तो आप सिर्फ दही डालिएगा, टमाटर का पेस्ट स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर टमाटर मैंने एक बड़े साइज़ का लिया था और इसको मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया है, और इसको हम प्याज के साथ ही डालकर अच्छे तरीके से कुक होने देंगे जब तक कि जो टमाटर का खट्टापन है या फिर रस है वो अच्छे से सूख ना जाए। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट के बाद हमारा टमाटर बढ़िया से ड्राई हो चुका है, सारा जो रस है वो बढ़िया से एकदम सूख गया है, अच्छी तरीके से कुक भी हो गए हैं। तो अब इसमें डालेंगे हमारा ये दही वाला मिक्सचर। तो ध्यान रहे टमाटर का जो रस है वो अच्छी तरीके से कुक होने के बाद ही दही डालिएगा, नहीं तो दही फटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये पूरा मसाला हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और अच्छी तरीके से इनको मिलाएंगे प्याज और टमाटर के साथ, और इनको हम तब तक भुनेंगे जब तक कि दही से घी ना रिलीज हो जाए और मसाले हमारे बढ़िया से कुक ना हो जाए। तो इनको हम 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से बिना ढक्कन लगाए भून लेंगे। और यहाँ पर आप चाहें तो गोभी के साथ साथ आलू भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ हरे मटर के दाने, तो लगभग 1/4 कप के आसपास ये हरे मटर के दाने मैं डाल रही हूँ। मटर जैसे ही डालेंगे इसमें डाल देंगे स्वाद के हिसाब से नमक और थोड़ा सा पानी। ये देखिए लगभग 1/4 कप के आसपास पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अब इन सारे मसालों को मटर के साथ मिक्स करेंगे और ढक देंगे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक कि मटर हमारे सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट के बाद मटर कितने बढ़िया से सॉफ्ट भी हो गए हैं और जो मसाले हैं उनमें से घी भी रिलीज हो चुका है। देख रहे हैं एकदम चटपटे लग रहे हैं ना। तो इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और अब चलिए इसमें डालेंगे हमारी भुनी हुई और क्रिस्प की हुई गोभी। अगर आप इस तंदूरी मसाला गोभी की सब्ज़ी में आलू डालना चाहते हैं तो उनको भी गोभी के साथ ही मैरिनेट करें और अच्छी तरीके से भून लें जैसे आपने गोभी को भुना है। और इस टाइम पे आप गोभी और आलू दोनों को साथ ही इस मसाले में डाल सकते हैं। हमने इस रेसिपी में आलू का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ मटर और गोभी ही डालेंगे। तो चलिए गोभी को ऐड कर लिया है, थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब इस पूरे मसाले में हम गोभी को अच्छी तरीके से टॉस करके मिला लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो बढ़िया से गोभी के अंदर तक जाएं और इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बना लें। तो इस सब्ज़ी में हमें बहुत ज़्यादा पानी का यानी ग्रेवी का यूज़ नहीं करना है, थोड़ी सी गाढ़ी ये सब्ज़ी बनती है, बहुत पतली कर देंगे ना तो टेस्ट उतना मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुल 1/2 कप के आसपास पानी डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से मिलाकर लेवल कर लीजिए और ढक देंगे जब तक कि गोभी हमारी अच्छे से नरम ना हो जाए। तो लगभग 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर हम इनको कुक करने देंगे। और 5 मिनट के बाद ये देखिए वाव, ढक्कन हटाते ही खुशबू इतनी ज़्यादा लाजवाब है ना कि बस मन करे अभी खा लो। देख रहे हैं कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है। तो चलिए गैस का फ्लेम बंद करते हैं और चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस पे। आप इस सब्ज़ी को बेसन वाली गोभी भी कह सकते हैं या फिर तंदूरी मसाला गोभी भी कह सकते हैं। छोटी मोटी पार्टी में भी आप इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रहे हैं ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखना आप इसको बार बार बनाएंगे। थोड़े से बारीक कटे हरे धनिये के पत्तों से या फिर कसूरी मेथी से आप इसको गार्निश कर सकते हैं और ये तैयार है रोटी, पराठे, चावल, नान, किसी भी चीज़ के साथ खाने के लिए। तो कैसी लगी हमें ज़रूर से लिख के बताइएगा। गोभी की और भी नई नई रेसिपीज़ आपको देखनी एकदम यूनिक स्टाइल में, तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ढेर सारी रेसिपीज़ के लिंक दे दिए हैं, जाकर ज़रूर से देखिए, डेफिनेटली आपको वो सारी वीडियोज़ भी बहुत पसंद आएंगी। देख सकते हैं इसकी कितनी मज़ेदार सी ग्रेवी है और स्वाद भी इसका बहुत ऑसम है।
आप ज़रूर से बनाइएगा। अगर आपको ये गोभी की सब्ज़ी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने ढेर सारे फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास मेरी हर दिन की नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, वो भी फ्री में। तो चलिए इंजॉय कीजिए इस मज़ेदार सी तंदूरी मसाला गोभी की रेसिपी को। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।